हेलो व्यूअर, माई सेल्फ गरिमा पाल आप लोगों के लिए रबर एंड प्लास्टिक ब्रांच के लिए फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का एक कोर्स शुरू किया है। इसमें आपको सबसे पहले, यह मेरा फर्स्ट लेक्चर है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता रहे कि मेरे कब कौन से नए लेक्चर्स आ गए हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है एडिटिव्स, थोड़ा सेशन के बीच में स्टार्ट किया है वीडियो, जिसकी वजह से एडिटिव्स किया है। इससे पहले के लेक्चर आपको दे दिए जाएंगे। एडिटिव्स हमारे होते क्या हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एडिट्स यानी कि किसी चीज़ को हमने ऐड किया है, किस में ऐड किया है और क्यों ऐड किया है, यही चीज़ हम पढ़ेंगे। एडिटिव्स की आपकी डेफिनेशन, ए सब्सटेंस दैट इज एडेड टू समथिंग इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर अ स्पेशल पर्पस। किसी भी स्पेशल पर्पस को, यानी कि अगर हम अपने रबर प्लास्टिक में बात करें, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी किसी भी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हमने थोड़े से अमाउंट में किसी सब्सटेंस को मिलाएंगे, वो हमारे एडिटिव्स कहलाते हैं। ए सब्सटेंस दैट इज़ एडेड टू समथिंग इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर अ स्पेशल पर्पस, किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए थोड़े अमाउंट में मिलाया हुआ सब्सटेंस हमारे एडिटिव्स कहलाता है। हिंदी में हम बोलें तो कोई पदार्थ जिसे अल्प मात्रा में और किसी विशेष उद्देश्य से किसी अन्य पदार्थ में मिलाया जाए, संयोजी यानी एडिटिव्स कहलाता है। एडिटिव्स हम क्यों मिलाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ करने को, प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ करने, जैसे टू इंक्रीज द फ्लेम रिटार्डेंट यानी कि आग से उसको, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें जल्दी से आग ना लग पाए, उस प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, आग जल्दी ना लगे उसके लिए हम एडिटिव मिलाएंगे, या फिर किसी भी मटेरियल की कॉस्ट को लोअर करने के लिए। इस तरीके से आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम एडिटिव्स, जिनके लिए हम मिलाते हैं। तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके कि एप्लीकेशंस ऑफ एडिटिव्स क्या है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एडिटिव्स फिलर, हमारे यहाँ मार्केट में हज़ार से ऊपर एडिटिव्स आपके अवेलेबल हैं। एडिटिव्स को हम फिलर भी बोलते हैं। जो कुछ कॉमन आपके एडिटिव्स के एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो आपके यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम टाइप्स ऑफ एडिटिव्स बता दें, जैसे कि आपका कैटलिस्ट रहे और आपके फिलर्स हैं, यही सब कुछ आपके एडिटिव्स हैं जो आप हमको, हम उसमें मिलाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेना कि हम एडिटिव्स मिलाते ही क्यों हैं, जब हमें यूज ही नहीं पता होगा तो हम एडिटिव्स क्यों मिलाएंगे। फर्स्ट है आपका एंटी माइक्रोबियल। आप कोई भी, आपकी प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, रबर का प्रोडक्ट है, आपको पता है, आपने खुद देखा भी होगा, रबर के प्रोडक्ट में बहुत जल्दी फंगस आने लगती है, फंगस यानी फफूंदी टाइप की, आप देखते होंगे सफ़ेद सफ़ेद में फफूंदी आने लगती है। अब हम उसको कोई अच्छे प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने रबर बना दिया और सिर्फ हमारा बनाना काम था, हमें उसे लाइफ टाइम तो मतलब हमें उसका लाइफ सर्कल बहुत आगे बढ़ाना है, हमें उसे बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करना है। तो उसमें एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम जिस एडिटिव्स का हम प्रयोग करते हैं, लिखा हुआ भी है, प्लास्टिक प्रोडक्ट की सरफेस को बैक्टीरिया, फंगाई तथा एल्गी से कंट्रोल करने के लिए एंटी माइक्रोबियल का यूज़ करते हैं। जो आपके एंटी माइक्रोबियल एडिटिव्स हैं वो आपको केमिकल तथा नेचुरल फॉर्म दोनों में मिलते हैं। नेचुरल में आपको सिल्वर आयन मिलेगा, जिसका हम प्रयोग सेल फोन के सरफेस पे करते हैं, एंड आपको ऑर्गेनिक एसिड में फूड रिलेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। सेकंड है आपका एंटीऑक्सीडेंट।
एयर एक्सपोजर के कारण होने वाले डिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट में एडिटिव्स का प्रयोग किया जाता है। एंटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक कम करने के लिए एडिटिव्स को रेजिन के साथ या प्रोडक्ट की सरफेस पर प्रयोग किया जाता है। आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो प्लास्टिक रही या रबर रही उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक तो आपकी कंडक्टिविटी के कारण, एंड सेकंड अगर आपका ट्रांसफ़र होता भी है तो उसमें हम तो क्या करते हैं, एंटी स्टैटिक का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिसाइजर किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सॉफ्ट या प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम प्लास्टिसाइजर एडिटिव्स का यूज़ करते हैं। फाइबर यूज टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइबर एडिड फॉर स्ट्रेंथ विल बी कार्बन एंड ग्लास। तो हमारे फाइबर मेनली यूज़ किए जाते हैं वो हमारे कार्बन एंड ग्लास फाइबर यूज़ किया जाता है। कार्बन एंड ग्लास फाइबर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर रहता है। ओके, ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक इज मोर कॉमनली नोन आर मार्केट एज फाइबर ग्लास। आपको जो जितने भी आपके फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं रेनफोर्स प्लास्टिक पे, मोस्टली हम ग्लास एंड कार्बन फाइबर का ही यूज़ करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ पावर हमारी बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण जो हमारा प्रोडक्ट बनता है रेनफोर्स प्रोडक्ट बनता है उसकी स्ट्रेंथ पावर आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब हम एज अ लुब्रिकेंट एडिटिव्स को यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक, जैसे कि आपका ग्लिसरीन ग्रीस वगैरह हो गया, वो क्या होते हैं, वो काफ़ी आपस में चिकनाहट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है मटेरियल हमारा किसी भी मेटल पे नहीं चिपकता जब वो हल्का कंसंट्रेटेड या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यही चीज़ है, आप अगर उसको मोल्ड कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बनाओगे मोल्ड करोगे, मोल्ड यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी जब शेप में ढालोगे तो आप किसी मोल्डेड के अंदर ही करोगे, यानी कि उसका एक खाना टाइप का होगा, खांचा होगा, आप उसी में तो आप मटेरियल को मोल्ड करोगे, जमाओगे, तो वो मटेरियल आपका जो प्रोडक्ट मटेरियल है वो आपका ना चिपके, इसके लिए हम एज अ लुब्रिकेंट भी एडिटिव्स का यूज़ करते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट एंड स्मोक सस्पेंशन, बहुत से केमिकल को रेजिन में मिलाकर जलने की प्रकृति को रोकने के लिए एडिटिव्स को मिलाया जाता है, जैसे आपके एंटीमोनी ट्राई ऑक्साइड तथा क्लोरीनेटेड पैराफिन को पॉलीएथिलीन तथा सिमिलर रेजिन में मिलाया जाता है। कलरेंट, ये कलरेंट यानी कि आपका कोई भी जो प्लास्टिक का मटेरियल है उसमें आप अलग अलग कलर डालने की, कलर आप क्यों डालते हो, ताकि कस्टमर को वो चीज़ लुभाए कि हाँ ये चीज़ हमारा इस कलर का है, कि मतलब ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि हाँ हमको ये कलर पसंद। तो उसी टाइप से आपको कोई भी जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उसको थोड़ा सा कलर करने के लिए जो आप मिलाओगे एज अ एडिटिव्स, तो हम कलर करने के लिए भी एडिटिव्स को मिलाते हैं। यूज टू एड कलर स्पेशल इफेक्ट और पैटर्न टू प्लास्टिक प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अदर वीडियोज़ नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।